एक नया फितना उठ रहा है। कुछ कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, पहले नहीं, पहले नहीं, आखिरी नबी हैं आप। आपको 40 साल बाद नबुवत अता हुई, 40 साल बाद आप नबी बने हैं, आप पहले नबी नहीं हैं। और ये हदीस पाक इसका इनकार करते हैं, कुन तो नबीयम व आदम बैनल मा एवती, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मट्टी के दरमियान थे, गारे के दरमियान थे, मैं उस वक्त भी नबी था। तो कहते हैं इससे मुराद वो बिलफेल नबुवत नहीं, बल्कि बिल्कुल आप नबी थे, लिहाजा 40 साल के बाद आपको नबुवत मिली है। हम कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल भी नबी हैं और आखिर भी नबी हैं। अव्वल भी आप नबी हैं और आखिर भी आप नबी हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम अंबिया को नबुवत वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत के सदके में अता की है। हजरत अल्लामा महमूद आलूसी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, साहिब रूहुल मानी, आप फरमाते हैं हजरत खालिद कुर्दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल ग्रामी नकल करते हैं कि अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबीयीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन व हसुना उलाइका रफीका, इस आयत के तहत आप नकल करते हैं, लिखते हैं कि हर दर्जा जो है नबुवत का दर्जा, सिद्दीकियत का दर्जा, शहादत का दर्जा मुकाम और वलायत का दर्जा, इसकी एक असल है, कुतुबे मदार है, जहां ये सारी चीजें जहां से मिलती हैं, एक मादन है नबुवत का, एक मादन है सिद्दीकियत का, एक मखजन है शहादत का, एक मादन है वलायत का। तो हजरत खालिद कुल्दी रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि नबुवत का मादन, नबुवत का मखजन, जहां से नबियों को नबुवत मिलती है, वो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बबरकात है, आपकी ज़ाते बबरकात है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बबरकात, अगर आप मादन नबुवत नहीं है, अव्वल नबी नहीं है, तो फिर आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो नबुवत मिली है वो कहां से मिल रही है? ला महाला, पहले मखज़न होगा, मादन होगा, जहां से कोई चीज निकल रही है, कान होगी तो वहां से चीज निकलेगी, तो कान पहले होती है और चीज बाद में निकलती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले हैं और अंबिया को नबुवत बाद में मिल रही है, इसलिए ताजदार मदीना सबसे पहले नबी है। ये आले सुन्नत का मुसलमा अकीदा है। इस दौर में फितने उठ रहे हैं, तरह तरह के फितने उठ रहे हैं, कोई कह रहा है जी आखिरी नबी है, पहले नहीं, आपको पहले नबुवत नहीं, 40 साल के बाद नबुवत मिली है, इससे पहले आपको भी इल्म नहीं था। तो ये बातें जहालत की और कुरान और सुन्नत से नावाकफी की बातें हैं, जिस वजह से ये सारे फितने उठ रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, ये हमारा अकीदा है। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, इसका माना क्या है? कोई सवाल कर सकता है कि कुरान और हदीस के अंदर, तारीख के अंदर ये बात दर्ज है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, तो आप कैसे कहते हैं कि कोई नबी नहीं आएगा? ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, लेकिन वो नबी बनकर नहीं, वो नबुव्वत का ताज सजा कर नहीं, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक अमल करेंगे, शरीयत मुस्तफा की होगी, बेशक ईसा आए लेकिन मुस्तफा की शरीयत पर अमल करेगा।